हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड टीटी के पिछले वर्षों के इंग्लिश लैंग्वेज के जो शॉर्ट पेपर हैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड टीटी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका जो एग्जाम है ये 24 मार्च 2021 को प्रस्तावित है। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तराखंड टीटी के जो पिछले वर्षों के शॉर्ट पेपर हैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का ये शॉर्ट पेपर है और जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड टीईटी, सीटीईटी, यूपीटीईटी और सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आईएएस, पीसीएस, एनडीएस, सीडीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 61 to 65 के लिए। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है, जो सबसे उपयुक्त अल्टरनेटिव है फ्रॉम द गिवन वंस फॉर फिलिंग इन द गिवन सेंटेंसेज, जो कि ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो सबसे उपयुक्त अल्टरनेटिव है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द थीप डैश रन अवे बिफोर द पुलिस कम। तो यहाँ बताना है कौन सा अल्टरनेटिव सही होगा। द थीप डैश रन अवे बिफोर द पुलिस कम, ए हैज, बी हैव, सी हैड, डी वाज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हैड। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो जो क्वेश्चन जो आंसर इसका सही है ये सी हैड है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, हैड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य भूतकाल में है। ये जो वाक्य है ये भूतकाल में है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो कार्य समाप्त हुए, द थीप डैश रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ भूतकाल में दो कार्य हैं और दो कार्य समाप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हेड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य भूतकाल में है, जो वाक्य ये भूतकाल में है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, यदि भूतकाल में दो कार्य होते हैं जैसे कि यहाँ पे द थीप रन अवे बिफोर द पुलिस केम, चोर भाग गया था पुलिस के आने से पहले, तो यहाँ पे दो कार्य समाप्त हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो रहा हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले कार्य पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ये जो ऑप्शन हैड ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो द मैन डैश रोट दिस लेटर, ए हु, बी हुम, सी हाउ, डी हुज। करेक्ट इसका जो आंसर है ये है ए हु। आई नो द मैन हु रोट दिस लेटर, इसका एक्सप्लेनेशन है हु का प्रयोग होगा क्योंकि हु का प्रयोग किसी व्यक्ति का पता करने के लिए होता है। जो हु का प्रयोग होता है वो किसी व्यक्ति का पता करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आई नो द मैन हु रोट दिस लेटर, हु का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ऑप्शन है ए, द, वन एंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ए, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। इसका एक्सप्लेनेशन है ए का प्रयोग होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, पूरे डॉग की जो जाति है, कुत्तों की जो जाति है उसका यहाँ पे बोध कराने के लिए ऑप्शन ए जो है ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग होगा क्योंकि पूरी जाति का बोध करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ प्लेज वर रिटन डैश शेक्सपियर, ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी इन, डी बाय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बाय, अ नंबर ऑफ प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर। एक्सप्लेनेशन है बाय का प्रयोग होगा क्योंकि पासिव वॉइस में किसी सब्जेक्ट पर एक्शन होने पर ऑब्जेक्ट को बाय से जोड़ते हैं। यहाँ बाय का प्रयोग होगा क्योंकि पासिव वॉइस में किसी सब्जेक्ट पर एक्शन होने पर ऑब्जेक्ट को बाय से जोड़ते हैं। तो अ नंबर ऑफ प्लेज वर रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीन डैश फॉर 10 मिनट्स, ही हैज बीन डैश फॉर 10 मिनट्स, ए सिंग, बी सैंग, सी सिंगिंग, डी संग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिंगिंग, ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स।
इसका एक्सप्लेनेशन है सिंगिंग का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ कार्य सिंगिंग भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में अब भी जारी है। यहाँ पे जो कार्य है सिंगिंग, ये भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में अब भी जारी है। ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शंस है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 to 70 के लिए। रीड द फॉलोइंग पासेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे पासेज दे रखा है, पासेज को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे जो पासेज है ये है, अगेन द एनुअल एग्जाम्स वर हेल्ड एंड एज चांस वुड हैव इट अगेन आई पास्ड एंड भाई साहब फेल्ड। आई डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड बट समहाउ मैनेज टू स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। भाई साहब हैड पुट हार्ट एंड सोल इन टू हिज वर्क। ही हैड स्वेलोड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द कोर्स। ही वर्कड सो हार्ड बट स्टिल ही फेल्ड। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। वेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड ही बस्ट इन टू टीयर्स एंड आई ऑल्सो बिगेन टू क्राई। माई जॉय एट माई सक्सेस वॉज हाफ्ड बिटवीन भाई साहब एंड मी। देयर नाउ रिमेन्ड अ गैप ऑफ ओनली 1 क्लास एंड इविल थॉट स्प्रैंग अप विद इन मी। ए भाई साहिब फेल अगेन अनदर ईयर। आई वुड बी हिज इक्वल ऑन वट बेसिस देन वुड ही प्रीच टू मी। बट आई फोर्सबली ट्रस्ट हिज दिस थॉट फ्रॉम माई हार्ट। आफ्टर ऑल ही स्कोर्स मी फॉर माई ओन गुड। बाय नाउ भाई साहिब हैड सॉफ्टन टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेवरल टाइम्स। इवन ऑन फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्कॉर्ड मी ही शोड ग्रेट प्रेजेंस। आई बिगेन मोर एंड मोर सेल्फ विल्ड एंड बिगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पैराग्राफ दे रखा है इसके बीच पे जो क्वेश्चन है ये हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 66, द राइटर स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास इन द एग्जाम। ऑप्शन है ए बिकॉज ही हैड वर्कड वेरी हार्ड, बी बिकॉज बाई चांस ही हैड मैनेज टू डू सो, बिकॉज भाई साहिब हैड हेल्प हिम, बिकॉज हिज टीचर्स हैड हेल्प हिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिकॉज बाई चांस ही हैड मैनेज टू डू सो सही उत्तर है। तो द राइटर स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास इन द एग्जाम बिकॉज बाई चांस ही हैड मैनेज टू डू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर वाज सॉरी फॉर भाई साहब बिकॉज। ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क भाई साहब फेल्ड, बी भाई साहिब वाज वेरी इंटेलिजेंट, सी ही लव्ड भाई साहिब वेरी मच, डी भाई साहिब वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क भाई साहिब फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन हिज सक्सेस व्हाट इविल थॉट स्प्रैंग अप विद इन द राइटर। ए भाई साहब इज माई एल्डर ब्रदर, बी मैनी भाई साहब पास दिस ईयर, सी भाई साहब स्कोर्स मी फॉर माई ओन गुड, डी ए भाई साहब फेल्ड अनदर ईयर, आई वुड बी हिज इक्वल देन ही वुड नॉट प्रीच टू मी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अपॉन हिज सक्सेस व्हाट ही विल थॉट स्प्रैंग अप विद इन द राइटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ए भाई साहब फेल्ड अनदर ईयर, आई वुड बी हिज इक्वल देन ही वुड नॉट प्रीच टू मी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन भाई साहब फेल्ड अगेन व्हाट चेंजेस डिड द राइटर फील इन हिज बिहेवियर। ए भाई साहब बिकेम मच इम्पेशेंट, बी भाई साहब स्कोल्डेड हिम टाइम एंड अगेन, सी भाई साहब शोड सॉफ्टनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, डी भाई साहब लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भाई साहब शोड सॉफ्टनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट उचित उत्तर है। तो व्हेन भाई साहब फेल्ड अगेन व्हाट चेंजेस डिड द राइटर फील इन हिज बिहेवियर। करेक्ट आंसर है, भाई साहब शोड सॉफ्टनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ भाई साहिब्स टॉलरेंस। ए द राइटर बिकेम मोर एंड मोर सेल्फ विल्ड, बी द राइटर बिकेम मोर हार्ड वर्किंग, सी द राइटर बिकेम मोर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स भाई साहिब, डी द राइटर बिगेन टू स्कोर्ड भाई साहिब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द राइटर बिकेम मोर एंड मोर सेल्फ विल्ड। तो यहाँ पे द राइटर बिकेम मोर एंड मोर सेल्फ विल्ड सही उत्तर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 to 75, ईच ऑफ द सेंटेंसेज इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे हर एक सेंटेंस जो है ये 4 मार्क्ड में डिवाइड है। वन ऑफ द 4 पार्ट्स हैज एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई इट एंड मार्क द आंसर। इसके एक पार्ट में एरर है,
इसको आइडेंटिफाई करना है और आंसर को मार्क करना है। तो 71 क्वेश्चन है, रवि फॉरगेट ये ए पार्ट है, हाउ मच बी पार्ट, ही प्रे सी पार्ट है, ये फॉर द वॉच डी पार्ट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, रवि फॉरगॉट हाउ मच ही पे फॉर द वॉच, इसमें जो एरर है ये सी पार्ट में है, पे ही पे, ही पे के स्थान पर पेड का प्रयोग होगा क्योंकि पार्ट ए में पास्ट का प्रयोग किया गया है, अथवा वाक्य भूतकाल में होगा, ये भूतकाल में वाक्य है, रवि फॉरगॉट हाउ मच, तो यहाँ पे ही पे की जगह ही पेड होना चाहिए, पे के स्थान पर पेड का प्रयोग होगा क्योंकि पार्ट ए में पास्ट का प्रयोग किया गया है, अथवा वाक्य भूतकाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज सिस्टर बीना ए पार्ट है, ये इज द मोर इंटेलिजेंट बी पार्ट है, स्टूडेंट सी पार्ट, इन हर क्लास डी पार्ट, हिज सिस्टर बीना इज द मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर क्लास, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये बी है, मोर के स्थान पर मोस्ट का प्रयोग होगा, हिज सिस्टर बीना इज द मोर इंटेलिजेंट की जगह इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर के स्थान पर मोस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है, तो मोर के स्थान पर यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें दो व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, देयर वर ऑप्शन ए है ये, एम्पल टाइम बी ऑप्शन है, टू गेट सी ऑप्शन है, टू द एयरपोर्ट डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, तो देयर वाज एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट, वर के स्थान पर यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन फॉर्म में है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये एक वचन फॉर्म में है, तो यहाँ पे वर के स्थान पर वाज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया हैज ए पार्ट है ये, नॉट बीइंग गोइंग बी पार्ट, टू स्कूल सी पार्ट, सिंस अ वीक डी पार्ट, माया हैज नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल सिंस अ वीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है, सिंस के बदले फोर का प्रयोग होगा, यहाँ पे सिंस के बदले फोर का प्रयोग होगा, करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माया हैज नॉट बीइंग गोइंग टू स्कूल फोर अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां बिल्ट और ए पार्ट द ताजमहल, बी पार्ट इन मेमोरी ऑफ, सी पार्ट हर क्वीन मुमताज, डी पार्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है इसमें एरर है, हर के स्थान पर हिज का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट एक मैस्कुलिन जेंडर है और उसका प्रोनाउन भी मैस्कुलिन फॉर्म में होना चाहिए। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है इसमें एरर है। इस वीडियो में जो पिछले वर्षों के टीटी एग्जाम्स हैं इसके शॉर्ट पेपर की जानकारी दी गई है, इसके जो अदर पार्ट्स हैं ये जल्दी अपलोड हो जाएंगे और जो कैंडिडेट्स यूटी टीटी, यूपी टीटी, सीटीटी और अदर स्टेट्स के लिए होने वाले टीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।